Hi guys, I am Neeti Nigam and welcome to my channel, My Paathshala by Neeti Nigam. आज मैं आपके लिए क्लास थर्ड नेशनल साइंस डायरेक्ट सर्च एग्जामिनेशन के मॉडल पेपर लेकर आई हूँ कि साइंस ओलंपियाड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. NSTSE ओलंपियाड के मॉडल पेपर हम देखेंगे. यूनिफाइड ओलंपियाड से रिलेटेड नेशनल साइंस ओलंपियाड के पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. इसमें साइंस ओलंपियाड में साइंस के साथ मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्लास थर्ड के लिए 50 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें करीब 15 क्वेश्चंस मैथ से रहते हैं और 25 क्वेश्चंस साइंस से रहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस एग्जामों में निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है. चलिए पहला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग. Study the following. Pen plus pen is equal to 12 rupees. Book plus book is equal to 16 rupees. And pen plus pencil is equal to 10 rupees. तो चलिए इसको solve करके देखते हैं. Pen plus pen is equal to 12 rupees. तो 2 pen is equal to हो गया यहाँ पे 12 rupees. तो 1 pen is equal to हो जाएगा 12 divided by 2. इक्वल टू 6. तो एक पेन का कॉस्ट हो गया 1 पेन का कॉस्ट हो गया 6 रुपए. अब हम इधर देखते हैं बुक प्लस पेंसिल. पेंसिल की हमें रेट नहीं पता है. यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शंस में दिया हुआ है पेन प्लस पेंसिल इक्वल टू 10 रुपीज. तो एक पेन का रेट जो है 6 रुपीज है और पेंसिल हमें नहीं पता है. तो पेंसिल इक्वल टू हम यहाँ निकाल सकते हैं. पेंसिल इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4. तो एक पेंसिल और एक पेन, पेंसिल की कॉस्ट एक पेंसिल 4 रुपीज में, एक पेन 6 रुपीज कॉस्ट हो गई. अब हमें निकालना है एक बुक की प्राइस क्या है. तो बुक प्लस पेंसिल इज इक्वल टू 16. तो इसीलिए बुक इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 16 और पेंसिल की कॉस्ट है 4 रुपीज. तो इक्वल टू 4 इक्वल टू 12. 16 में से 4 जाएगा तो 12. तो हाउ मच डज बुक कॉस्ट. बुक का कॉस्ट क्या हो गया. ऑप्शन सी रुपीज 12. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ऑब्जर्व द फॉलोइंग. हाउ मच डज ईच बनाना कॉस्ट. बनाना का कॉस्ट क्या होगा इसमें हमें निकालना है. तो चलिए देखते हैं. 3 आइसक्रीम इज इक्वल टू 30 रुपीज. तो 1 आइसक्रीम इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 आइसक्रीम इज इक्वल टू 30 रुपीज. तो 1 आइसक्रीम इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3. 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10 रुपीज. ठीक है. अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या होगा. तो कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम हमारा एक कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम 30 रुपीज हो गई. अब यहाँ पर दिया हुआ 2 आइसक्रीम प्लस फ्लावर या 2 आइसक्रीम इक्वल टू 28 रुपीज यहाँ पर होता है. कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम 10 रुपीज हो गया. तो कॉस्ट ऑफ चेरी हो जाएगा 28 और यहाँ पर 10 इंटू 10. इन दोनों के कॉस्ट क्या है. 10 प्लस 10 यहाँ पे हो गया तो 20. तो 28 माइनस 20 इक्वल टू हो गया यहाँ पर 8 रुपीज. तो चेरी इक्वल टू 8 रुपीज हो गया. इसका कॉस्ट हो गया 8 रुपीज. नेक्स्ट हमारा चेरी प्लस बनाना इक्वल टू 18 रुपीज. तो चेरी 8 रुपीज की है और यहाँ पर 18 रुपीज दे रहा है. तो बनाना का कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे. 18 माइनस 8 इक्वल टू 10. तो 2 बनाना इक्वल टू 10 हो गया. तो 1 बनाना इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5. तो क्वेश्चंस क्या है.
ऑब्जर्व द फॉलोइंग हाउ मच इज बनाना कॉस्ट, बनाना कॉस्ट कितना हो गया रुपीज 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लीकेशन सेंटेंसेस फॉर ग्रुप इन द फिगर। ये फिगर दिया गया है, इसके हिसाब से मल्टीप्लीकेशन किसका हो रहा है, हर ये 5 हो रहे हैं, 3 3 3 3 3, ये 5 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, तो ये मल्टीपल्स किसका हो गया, 5 into 3 इज इक्वल टू 15। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मिसिंग नंबर, यहाँ पे 30 60 45 90 28 56। इसमें देखिए सभी को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 30 into 2 = 60 हो गया। यहाँ पर देखते हैं, चलिए 30 into 2 = 60, फिर 45 into 2 = 90, एंड फिर इसी प्रकार हो जाता है 28 into 2 = 56। तो इसी प्रकार 35 into 2 हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 70। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भानु वांट टू गो द स्विमिंग पूल फ्रॉम दिस हाउस, इफ टुक द लॉन्गेस्ट रोड सो इन द गिवन फिगर हाउ मेनी मीटर्स वुड ही ट्रेवल। रूट फ्रॉम वानो हाउस टू स्विमिंग पूल, अब देख लेते हैं, ये डायरेक्ट रूट आपका हो रहा है 1100 meters, ये डायरेक्ट रूट है, ये हाउस है आपका, यहाँ ये हाउस हो गए और ये स्विमिंग पूल है, तो डायरेक्ट रूट अगर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है 1100 meter इसके रूट हो रहे हैं। थ्रो द स्कूल, अगर हम जाते हैं स्कूल से जाते हैं तो ये 369 + 723, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1020, इसको और इसको हम प्लस करते हैं तो हमारा हो रहा है 1082, यानी 1082 है, 1082। एंड देन थ्रो द सुपर मार्केट से अगर हम जाते हैं प्लस यहाँ से तो हमारा ये और इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 1139। इफ दे टुक लॉन्गेस्ट रूट सोन इन गिवन फिगर हाउ मेनी मीटर वुड बी ट्रेवल। तो सबसे इफ वानो टेक्स द लॉन्गेस्ट रूट ही वुड ट्रेवल 1139, यानी सुपरमार्केट से ये अगर करेगा तो 11 सबसे लॉन्गेस्ट रूट हो जाएगा 1139 meters। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमारा जनरल साइंस से क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द ऑड वन आउट। अब इसमें हम देखेंगे कि ऑड वन आउट कौन से हो रहे हैं। ऑर्चिड इज द फ्लाइटनेस वर्ड, इसमें क्या है ऑर्चिड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑर्चिड इज द फ्लाइटनेस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सानिया हैज ए जग ऑफ ऑरेंज जूस ऑफ 15 लीटर कैपेसिटी, सी पोर्ड ऑल द ऑरेंज जूस इनटू 3 ऑफ द 6 कंटेनर्स आर सो बिलो। तो देयर आर 3 कंटेनर्स सानिया यूज आर, लिक्विड हैज नो डिफरेंट नो डिफाइंड शेप बट हैज फिक्स वॉल्यूम,
कंटेनर्स क्यू इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है। यहाँ से ये हम क्यू इक्वल टू 6 लीटर दिया गया है एंड एस इक्वल टू 5 लीटर, टी इक्वल टू 4 लीटर, टोटल 15 लीटर इन विच सानिया पोर्ड ऑफ ऑरेंज जूस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 लीटर हमें टोटल चाहिए, तो हमारा हो जाएगा क्यू एस एंड टी, इन तीनों को मिला के 15 लीटर हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू नो फ्रॉम द गिवन एक्सपेरिमेंट। कैंडल है और ये बीकर्स है। एयर मूव्स थिंग्स, बी एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, सी एयर ऑक्यूपाई स्पेसेस और डी ऑल हैज वेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन बर्निंग गिव्स आउट हीट एंड एनर्जी। ग्रेनाइट, कोल, डायमंड्स एंड चॉक। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कोल एंड बर्निंग गिव्स आउट हीट एंड एनर्जी। कोल को अगर हम बर्न करेंगे तो गिव आउट हीट एंड एनर्जी हमें मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच लेवल पार्ट विच लेवल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट कैन ग्रो इनटू अ फ्रूट। एस आर क्यू पी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन द गिवन फिगर पार्ट लेवल एच एस इज अ फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें एक पार्ट क्रिटिकल थिंकिंग से भी आता है क्लास थर्ड में, तीन पार्ट में साइंस ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर बटे रहते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ डॉट, तो यहाँ पर कितने डॉट हो रहे हैं और उसमें वैल्यू हमें बताना है कि कितने वैल्यू इसके डॉट के वैल्यू किस प्रकार हम मेजर करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हो जाएंगे 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ डॉट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 35। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी एप्पल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ पपाया। हाउ मेनी एप्पल इज इक्वल टू वेट ऑफ पपाया, ए बी सी एंड डी। एप्पल एक पपाया इक्वल टू 3 बनाना, 2 बनाना इक्वल टू 4 एप्पल्स। सो 1 पपाया इक्वल टू कितने एप्पल्स होंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 एप्पल्स, क्योंकि 2 बनाना इक्वल टू 4 एप्पल्स है और 1 पपाया इक्वल टू 3 है। सो करेक्ट आंसर इज 4 एप्पल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच एनिमल इज नॉट सीन द शैडो। इसमें कौन सा एनिमल नहीं दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से देख लेते हैं। ये यहाँ पर इमेज दिया गया है, ये चार
एनिमल्स हैं, ये चार एनिमल्स हैं, इसमें से किसके शैडो हमें नहीं दिख रहे हैं, तो हमें ये चिंपांजी या मैन भी है, इसके शैडो हमें नहीं दिख रहे हैं, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। थ्री फिशेस नीड टू बी कॉट टू मेक 10, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्रोटीन 3 कैन बी मेड ऑफ 10, कितने फिशेस नीड कॉट टू 10, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्रूफ 3 कैन मेड ऑफ 10, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दिस पिक्चर शो द लॉन्गेस्ट रो, इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट रो कौन से इमेज में है, ए बी या सी, तो सबसे या ऑल आर इक्वल, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट क्योंकि ये विड्थ इसकी ज्यादा है और ज्यादा बार ये लपेटा हुआ है, तो दिस इज लॉन्गेस्ट ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, थैंक यू।